जनाब अभी ये मिट्टी खा रहा है, तो मैंने कहा कि कोई इसका इलाज करते हैं। मिट्टी खाने का, ये तो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा, रुकने वाला नहीं है। बड़ी मिट्टी खाता है यार, इसको कोई चारा रखना पड़ेगा, इसके नीचे कोई गंद फेंकना पड़ेगा, वरना ये मिट्टी नहीं छोड़ने वाला, बेवकूफ़ है, बीमार हो जाएगा। इतनी मिट्टी खाता है, इसने शहर में देहात बनाया हुआ है बेवकूफ़ ने, बड़ा इसने माहौल ख़राब कसम से किया हुआ है। ये सारी भी अपना चारा खा रही हैं, डाला था सबको यार। काम शाम बहुत ज़्यादा होते हैं, आपसे दुआओं की अपील है यार, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी दुआ करनी है। अल्लाह पाक हमारा मुस्तकबिल अच्छा बनाए, लाइफ अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ अबरार हसन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खान अबरार खान देख रहे हैं। ये व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमारे साथ रहना इंशाल्लाह, वीडियो में मज़ा आएगा आप दोस्तों को। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये तीनों भी खा रही हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी खा रही हैं। सारे जानवर चारा शारा खा रहे हैं यार, इंजॉय कर रहे हैं। इस बच्चे को करना पड़ेगा यार, और बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है। अब देख इसके मुंह पर मिट्टी, देखा किस तरह मिट्टी है, ए टू जेड सारी मिट्टी मिट्टी है। ये आप मुझे इसकी ज़बान पर नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता। बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है यार, इसने पता नहीं दिमाग ख़राब करके रख दिया। अब इसको चारा डालते हैं, चारा इसको मैंने चारा डाल दिया, ये अब खाने लगा है। मिट्टी नहीं खाएगा, पहले तो ये मिट्टी खा रहा, लेकिन अब नहीं खाएगा, मुझे पता है। अगर चारा ना डालता तो ये मिट्टी खाता रहता है यार, बच्चा है ना छोटा, गाय का इसलिए खाता है मिट्टी, वरना इसने नहीं खानी थी। गंदम की थ्रेशर निकाली थी तो इसका भूसा निकला पड़ा है, इसको बारिश ऊपर आ गई है तो इस वजह से उठाया नहीं है। अब बारिश रुक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीदें काफ़ी हैं इंशाल्लाह उठा लिया जाएगा। बाकी चेक कर सकते हैं, ये भूसा है। अभी जा रहा हूँ, कुछ व्लॉग श्लोक बनाना है, थोड़ा सा रहता है अनकम्प्लीट है, तो मैंने कहा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सब दोस्तों ने दुआ में याद रखना है, तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि क्या करना है। देख सकते हैं हमारा रकबा तकरीबन खाली हो गया, या हमने कोरिए भी बिजाई कर दिया है चारे के लिए, जानवरों के लिए। अब थोड़ा थोड़ा सब्जा देने लगा, सारी रकबा मतलब कि वो एक साल ढह के पड़ता तो वो खाली हो गया। अब देख सकते हैं सारी गंदम निकल गई, कुछ भूसे पड़े हैं वो भी उठा लेगा, जो इस मालक के हैं वो मतलब कि जो आपको दिखाया है वो भी पड़ा है तो वो उठा लेगा, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश आ गई थी इस वजह से ख़राबा बन गया था, वरना उसने उठा लिया तो उठाने आया, लेकिन आगे बारिश थी। तो यार हमारे व्लॉग्स को पसंद किया करें, हम मेहनत करते हैं, आपको पता है कि मेहनत भी बहुत मुश्किल होती है, और दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा करें, अच्छा किया करें, वालिदैन का एहतराम किया करें। अक्सर मैं यही कहता हूँ कि दूसरों के साथ अच्छा करें, अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा करता है, तो आप फिर भी उसके साथ एक अच्छाई वाला रवैया अपनाएं। और ये शहर में मतलब कि देहात बना खड़ा है, सारा देहाती माहौल है और देहाती काम काज चल रहे हैं। जनाब ये ट्यूबवेल है, अभी इसके ऊपर बोरियाँ सीनी हैं, क्योंकि ये गर्मियों से ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग कहीं इख्तिताम करते हैं, उम्मीद है ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह कल एक अच्छी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।